इसका माशाल्लाह सॉफ्ट, हो माशाल्लाह जी देखिए जरा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, क्या बात होगी सर। तो क्योंकि जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है सर, मैं पिछले 3 साल से इधर आ रहा हूँ। अर मैं चमकू जैसे जुगनू, यहाँ पे जो है हारा में ये लोकेटेड है लोकेशन निराला वालों की, और इनकी जो फिश है बहुत मशहूर है। वैसे तो इनके दूसरी डिशेज भी बहुत मशहूर है, बट मुझे किसी ने स्पेशली हाईली रिकमेंड की है इनकी फिश, और आज मैं इनकी फिश ट्राई करूंगा क्योंकि सर्दी की आमद है। तो वेलकम टू विंटर करते हैं, और इस सर्दियों की जो पहली फिश है वो मैं आज इनसे खाऊंगा और फिर आपको रिव्यू दूंगा। चले देखे जरा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनकी फिश खाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये भाई फिश बना रहे हैं आज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक शेफ हूँ और माशाल्लाह से जो जो रेसिपीज ये यूज कर रहे हैं मुझे वो नजर आ रही है। ये देखें, ये फिश देखें, इसके ऊपर जो मसाले लगे हुए हैं वो देखें, और भाई जिस तरह से माशाल्लाह मैरिनेट कर रहे हैं, जिस तरह से बना रहे हैं, उमदा लजीज, मुझे अभी से मुंह में टेस्ट आ रहा है और मुझे पता चल रहा है कि ये किस तरह का टेस्ट होगा। तो आज इनसे थोड़ा सा इस बारे में पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, सर थोड़ा ऊंची बारे में थोड़ा सा बता दें, किस तरह से आप बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं, और क्या खासियत है जो इतनी मशहूर है आपकी मछली? बना रहे तो काफी अच्छा से हमें तकरीबन मशीदारुल माई और वहाँ से यहाँ भी 6 साल हो गए आए हैं। तो मसाला यही होती है हमारी रेसिपी है, जो दाल मिर्च है, धड़ा मिर्च है, सोयाबीन है, सब ये चीजें लगाते हैं हम, ठीक है, इसी की तरह इनसे तैयार करते हैं। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं ये मछली बना भी कैसे रहे हैं। चलिए अंदर आते हैं। माशाल्लाह से खुशबुएं चेक करें भाई। किचन में अंदर आ रहा हूँ, अमेजिंग खुशबू है, सिर्फ किचन में नहीं जो आउटसाइड में लोग बैठे हैं वो भी खुशबू है जरा, ये अमेजिंग आपको कुछ बता नहीं सकता अभी से। तो चले इंशाल्लाह बैठते हैं, अमरी हमें ये सर्व करेंगे तो फिर आपको रिव्यू देते हैं। जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना हुआ था, और ये रही मटन पालक, ठीक है, क्योंकि इनका मटन मैंने सुना है माशाल्लाह बहुत ही लजीज फ्रेश होता है, और पालक का तो कोई जवाब नहीं। तो ट्राई करते हैं, ये देखें इसका माशाल्लाह सॉफ्ट, हो माशाल्लाह जी देखें जरा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, क्या बात होगी सर। तो क्योंकि ये तो कोई भी नहीं खाता, ठीक है, तो भाई जान ये रही। अच्छा, अब सर इसके अलावा इनकी मैंने सुना है कि ये स्पेशल आलू बुखारे वाली चटनी है, इसके बारे में बहुत सुना है, आज ये भी ट्राई करते हैं। ये देखें जरा, ये देखें, मजा आया सर, मजा आया, देखे सर देखे, बहुत ही लजीज, सो यमी और डिलीशियस। और अब
अब ये रही पालक और ये रहा इनके नान, देखे जरा, वाह नान देखे सर, क्या बात है, ठीक है ये स्पेशल नान है, ठीक है। और ये रही पालक, मटन की लुक देखें भाई, क्या बात है। मिजाला वाले छा गए, मिजाला वाले भाई छा गए, देखो मैं तो हाथों से खा रहा हूँ भाई, मैं तो सारा खा लूंगा, ठीक है। अगर आप मच्छी भी खाने की शौकीन हैं तो भाई इधर आ जाओ जल्दी से, ये ट्राई करो जल्दी से। से तो अलहमदिल्ला हम नराना पे वीकेंड के दिन आते हैं और फिश खाते हैं, बहुत मज़ेदार इनकी फिश है, तो हम फैमिली के साथ भी आते हैं और दोस्तों के साथ भी इधर फिश खाने आते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं वारपिंडी से हूँ, 7 साल से मैं सोलन से आ रहा हूँ। खाना बहुत ज़बरदस्त है इनका, क्वालिटी क्वान्टिटी प्राइस, ये भाई दोस्त पहली दफ़ा आया, इनको बहुत पसंद आया खाना। हमारे पास स्पेशल जुमे को चिड़ियों की कुन्ना, मटन बिरयानी, गुड़ वाले चावल और स्टीम चरगा होता है, और रूटीन में जो निहारी, हलीम, कढ़ाई गोश्त, बदामी कीमा, पालक और सादा चावल। उसके अलावा हमारी स्पेशलिटी है रोहू मछली, दरिया की रोहू मछली, पाकिस्तान से आती है, कोई नहीं बनाता सऊदी अरब। 32 साल काम किया है जद्दा में निराला के नाम से, शर्फिया में। उसके बाद हमने 8 साल हो गए हैं माइग्रेट करके रियाज हारा में आ गए अयो वजरात में, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और हमारा है ही ताज़े मटन का काम, और हमारे स्पेशल कीमे वाले नान भी होते हैं, ताज़ा मटन पाकिस्तानी पाकिस्तानी गोश्त के, और इसके अलावा सादा नान होते हैं, और स्पेशल तिल वाला कुलचा होता है। आप आए इंशाल्लाह, हमें खिदमत का मौका दें, विजिट करें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आया जनाब, बहुत ज़्यादा मज़ा आया माशाल्लाह से। पालक जो मटन पालक था वो भी बहुत मज़े का था, और फिश की तो अमेजिंग बात ही मज़े की, क्योंकि सर्दियों में स्टार्ट में फिश खाना और इस तरह की टेस्ट की, मैं कहता हूँ जिस बंदे ने बनाई है ना, जावेद भाई मैं आपको दिखाता हूँ, जावेद भाई बात सुने ज़रा, ये जावेद भाई आ रहे हैं हमारे जिन्होंने ये फिश बनाई है। सर सर यकीन करें आपके हाथ माशाल्लाह, ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का टेस्ट देते हैं ये कहीं कहीं मिलते हैं, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रहे, आप भी दुआ कीजिएगा इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, और अल्लाह ताला इनके हाथ में और ज़्यादा टेस्ट करे। तो अगर आप रियाद में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, रियाद में रहते हैं, और अगर आपने निराला की फिश ट्राई नहीं की, सर्दियों की ये सुगा ट्राई नहीं की, आपने कुछ ट्राई नहीं किया, ठीक है, तो आए यहाँ पे खाना खाएं, इन भाई से फूड मिल के जाइएगा, ठीक है। तो इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे और मेरी मम्मी को दुआओं में याद रखिएगा, और अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। लव यू, अल्लाह हाफिज़।